Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. Currently we are dealing with chapter number 3B, that is elasticity of demand. So take page number 3031 in your textbook. We have started with methods of measuring price elasticity of demand. In that particular topic, we have three methods. Method number one is ratio or percentage method, और आप इसे proportionate method भी बोल सकते हैं. Ratio of percentage method है क्या? यहां पर हम जो regular formula use करते हैं वो है percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. इस तरीके से हमें ratio मिलता है और हम यहां पर उसका जो रिजल्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.4, दैट इज लेस देन 1. इस रिजल्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन से टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है. तो यहां पर हमें पता चला दिस पर्टिकुलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है कि आपका जो डिमांड है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपके एक्सपेंडिचर से. तो मार्शल ने यहां पर ऐसा एज्यूम किया कि अगर आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है दैट मींस आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, और अगर आपका एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है टोटल एक्सपेंडिचर, तो मतलब है आपका डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो इसके लिए मार्शल एक यहाँ पर टेबल शो करते हैं जिसमें प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी हमें दिया गया है और इनका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे टोटल डिमांड कितना है, और ये पर्टिकुलर जो डिमांड है उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है टोटल एक्सपेंडिचर, और फिर हम प्रीवियस एक्सपेंडिचर से न्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए जिसका प्राइस पहले 10 था, उसका क्वांटिटी डिमांड किया गया 6. जब प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम 10 टू 20 क्वांटिटी डिक्रीज हो गया 5, बट हम मल्टीप्लाई करें 10 into 6, तो पहले हम स्पेंड करते थे 60 rupees एंड नाउ वी आर स्पेंडिंग 20 into 5, दैट इज 100 rupees. सो अगर आप कंपेयर करें ओनली टोटल प्राइस, सो वी आर पेइंग मोर, जबकि आप क्वांटिटी कंपेयर करोगे सो वी आर परचेसिंग लेस. सो फॉरगेट अबाउट क्वांटिटी, फोकस ऑन टोटल प्राइस. So total price which we are paying, that will give us elasticity of demand is more than 1. ठीक है? Similarly, product B जहां पर पहले 30 price था, तो हम 4 unit purchase करते थे, तो total हमारा expenditure होता था 120. Now when the price rises, so we are purchasing only 3 unit and that will fetch us 120 rupees. तो ये जो 120 rupees है, पहले भी हम उतना ही पे कर रहे थे जितना अभी हम पे कर रहे हैं, तो इसे हम नाम देंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट 50 के प्राइस पे प्रोडक्ट सी 2 क्वांटिटी में परचेस हो रहा था और 60 के प्राइस पे हमने रिड्यूस करके 1 कर दिया. सो अर्लियर वी वर पेइंग 100 rupees, नाउ वी आर पेइंग 60 rupees. सो टोटल एक्सपेंडिचर को अगर ध्यान में रखा जाए तो यहां पर ये क्या है, इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, सो लेट अस टेक द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ₹10 per unit, ये हम प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं. डिमांडेड इज 6 unit, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 60 rupees. व्हेन द प्राइस राइजेस टू 20, डिमांड फॉल्स टू 5 units, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज ₹100. इन दिस केस टोटल आउटले मतलब एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ, is greater than original expenditure. Hence, in this example, elasticity of demand is greater than 1. That is relatively elastic demand for product A. Product B का जो example हमने लिया, वहाँ पर देखा हमने, हमें unitary elastic मिला. And for product C, हमने देखा कि पहले जो हमारा expenditure था, वो था 100, और बाद में हमारा expenditure हो गया 60. So it is less than 1. That is relatively inelastic demand. Now we are moving towards third
मेथड विच इज पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड. Professor Alfred Marshall has developed another method to measure elasticity of demand, which is known as point method or geometric method. The ratio method and the total outlay method are unable to measure elasticity of demand at a given point on the demand curve. So, यहाँ पर हम एक graph की बात कर रहे हैं. Graph पे अगर कोई particular curve पे point आता है तो हम उसे कैसे measure करेंगे? तो ये पहले दो मेथड से मेजर नहीं हो पा रहा था, तो यहां पर एक ज्योमेट्रिक मेथड यूज करने में आया. एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला. तो यहां का क्या फॉर्मूला है? यहां पर हम हमारे कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है अपर सेगमेंट और दूसरा होता है लोअर सेगमेंट. सो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट That is L. Lower है ना, तो उसको L से शो किया गया है, न्यूमरेटर में रखा गया है. लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ पॉइंट गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट, उसको हम U से डिनोट करेंगे. सो न्यूमरेटर में लोअर पार्ट या लोअर सेगमेंट और डिनोमिनेटर में अपर सेगमेंट हमें देखने को मिलता है. डिमांड कर्व मे बी ईदर लीनियर और नॉन लीनियर एज शोन बिलो. तो देखो लीनियर होगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है. व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर स्ट्रेट लाइन वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस ए एंड एक्स एक्सिस एट बी. तो हमने क्या किया, यूजुअली हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो यहां तक ही होता है. यस yes, आपने देखा होगा हम यहां पर डी करके इसको डिनोट करते हैं. बट जहां पर हम यहां ज्योमेट्रिक मेथड की बात करें तो हम उसको स्ट्रेच करके उसको वाई एक्सिस से हमने कनेक्ट कर दिया और ये पॉइंट को स्ट्रेच करके हमने एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से हमको मिला पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, दिस वन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट Each point. तो यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने ये different different point ले लिया. अब आप समझ सकते हैं point number one, point number two, point number three, point number four and point number five. ऐसे हमने five points ले लिए. How many points? Five points. ठीक है, अब कोई भी आप एक point select कीजिए. For example मैंने ये point अगर select किया तो इसके अंदर ये जो part हो जाएगा इसे हम upper segment बोलेंगे और ये जो पार्ट हो गया इसे हम लोअर सेगमेंट बोलेंगे. लाइक दिस, गेटिंग इट एवरीवन? और इसी को हमको फॉर्मूला में फिट करना है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट वैल्यू. ठीक है, कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये पॉइंट ले लिया तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हो गया अपर सेगमेंट और ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ये हो गया लोअर सेगमेंट. So, इस तरीके से इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है हम ये ज्योमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. गेटिंग इट एवरीवन? तो आइए देखते हैं एक एक करके. लेट अस अज्यूम दैट ए बी इज अ डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमने यहां पर एक एजम्पशन रखा कि ये जो पूरा का पूरा कर्व है फ्रॉम ए टू बी इसका पूरा लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है. ये हमारे सहूलियत के लिए हमने रखा है ताकि इजीली हम उसको डिवाइड कर सकें. ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व कैन बी मेजर्ड एज फॉलो. तो हमने क्या किया, एक इक्वल गैप ले लिया यहां पर. अब ये अगर पूरा 8 सेंटीमीटर है तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्जैक्टली उसका हाफ हुआ. तो ये 4 सेंटीमीटर का पार्ट है और ये भी 4 सेंटीमीटर का पार्ट है और उसको डिवाइड कर दिया तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं. गेटिंग इट एवरीवन? तो इसलिए हमने उसको 8 सेंटीमीटर पे लिया हुआ है. एट पॉइंट पी, जहां पर हम पॉइंट पी की बात करें, दिस वन. ठीक है,
द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज पीबी अपॉन पीए, दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1, जो हमें क्या शो करता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो अगर आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं तो जो अपर पार्ट है वो भी 4 है और लोअर पार्ट भी 4 है, तो हमें क्या मिलता है 4/4 एंड दैट विल गिव अस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सिमिलरली एट पॉइंट P1, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, P1 वाला पॉइंट उठा रहे हैं, अब खुद आप इसका आंसर दे सकते हैं। इफ आई टेक पॉइंट P1 ओवर हियर, सो दिस वन इज पॉइंट P1, सो दिस विल बिकम अपर सेगमेंट एंड दिस विल बिकम लोअर सेगमेंट, ठीक है ना। अब इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि P1 से जो PB है इसका जो लेंथ है इट इज 2 सेंटीमीटर, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 2+2+2, दैट इज 6 सेंटीमीटर, टोटल मिला के 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, लोअर डिवाइड बाय अपर, तो 2/6 लाइक दिस। तो देखिए यहां पर एट पॉइंट P1 2/6 विल गिव अस 0.33, है ना। सो यहां पर हम देख सकते हैं आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, और लेस देन 1 होने का मतलब क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे P2 के ऊपर, सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड and you can also give answer when we will take P2 reverse हो जाएगा। ये particular point हमें 2 सेंटीमीटर length ही मिलता है and this particular point will give us 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। So lower divide by upper, तो क्या होगा 6/2, so यहां पर हमें answer मिलता है 3 more than 1, right? So point P2 के ऊपर 6/2 इज इक्वल टू 3 विच इज मोर देन 1, हेंस इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए बना दिया इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, ओके। मूविंग अहेड एट पॉइंट A, अब सबसे लास्ट पॉइंट अपर लेवल का और लोअर लेवल का, इसमें क्या हो जाता है पॉइंट ए, इलास्टिसिटी इज इनफिनाइट बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0, है ना। अब ये पर्टिकुलर मैं पॉइंट ले लूं तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या हो जाता है, लोअर सेगमेंट, और लोअर सेगमेंट क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, और यहां पर क्या हो गया 0, है ना। तो 0/8 इसका कुछ आंसर आएगा क्या, नहीं, हेंस इट इज इंफिनिटी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी अगर आप लेते हैं तो इसका रिवर्स हो जाएगा, पॉइंट बी में यू विल टेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो दिस विल बिकम अपर विच इज 8 एंड दिस विल बिकम लोअर विच इज 0, सो हमें मिलता है 8/0, ठीक है। सो इलास्टिसिटी इज 0 बिकॉज लोअर सेगमेंट इज 0, सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो यहां पर हमने देखा कि लीनियर डिमांड कर्व होगा तो किस तरीके से आप वेरियस पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने वेरियस पॉइंट्स पे इसको यहां पर डिनोट कर दिया और हमें ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। ऑन पॉइंट ए इट इज इंफिनिटी, ऑन पॉइंट P2 मोर देन 1, on point P equal to 1, P1 less than 1, and at point B it is equal to 0. तो ये था linear, linear मतलब straight line होगा तो ऐसा है, but instead of straight line अगर हमें एक curve दिया है, क्या दिया हुआ है, curve, तो curve देखिए इस तरीके से आपको दिया हुआ है, जैसे ये demand curve D हमको मिलता है, DD। तो
तो अगर ऐसा ये कर्व शेप में है तो उसको आप कैसे वर्कआउट करेंगे? When the demand curve is non-linear, non-linear means it will be in curved type, like convex to origin. To measure price elasticity of demand, we have to draw tangent. तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो ऐसा curve है ना, आप उसको एक tangent draw करके linear बना लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा. So draw a tangent AB touching the given point. मतलब जैसा ये था इस तरीके से आप एक tangent draw कर लीजिए, like this. ठीक है ना? तो हम same स्थिति में आ जाएंगे जैसे हम figure number 3.16 में थे. Extending it to meet y axis at point A and x axis at point B. और formula हमारा same होगा, lower segment divided by upper segment. ठीक है, सिर्फ यहां पर वर्ड हम यूज करेंगे टेंजेंट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. सो यहां पर आप देख सकते हैं, इफ इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू ई ए, सो ई ए ब्रैकेट में ईडी इज इक्वल टू वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन. तो यहां पर आप देखेंगे पॉइंट ई पे दोनों इक्वल है, E से A का डिस्टेंस और E से B का डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है. तो यहां पर लोअर सेगमेंट हम अगर यहां पर इसको कंसीडर करें 4 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. हालांकि यहां पे नंबर्स एज्यूम करने की बात नहीं की गई है, हम डिस्टेंस देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ई बी इज मोर देन ई ए. अगर यहां पर ई बी मोर देन ई ए आया, सो ये मिलेगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इनका कहने का क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ये जो पॉइंट ई है ये फ्लेक्सिबल है, आप कहीं पर भी लीजिए. सपोज मैंने यहां पर ये पॉइंट ई लिया, ठीक है, तो दिस वन विल बी लोअर एंड दिस वन विल बी अपर सेगमेंट. अब आप इसको क्या बोलेंगे, ई बी अपॉन ई ए, ठीक है ना? और अगर हमें रिजल्ट ये तीनों में से कोई भी रूप में मिलता है तो हम वहां पर डिराइव कर सकते हैं कि वो यूनिटरी इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इन इलास्टिक है. गेटिंग इट एवरीवन? सो लेट अस चेक इट अगेन वन बाय वन. मेथड्स of calculating elasticity of demand. First one is ratio or percentage method. What does it mean? Ratio method is developed by Professor Alfred Marshall. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by the percentage change in price. Percentage method is also known as arithmetic method. Which method? Arithmetic method. So, isko is formula se hum denote karenge, and at the last हम इसे इस सिंबॉलिक वे में लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मैथमेटिकली फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर. अभी आप यहां पर देखिए फॉर्मूला को डिजाइन कैसे किया गया. अगर यहां पर आप इस तरीके से ले लें a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d, तो आपको मालूम है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b इंटू d अपॉन c. मल्टीप्लीकेशन करने के दौरान जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. ठीक है, सो हेंस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इस तरीके से आप उसको एलाबोरेट कर सकते हो. अब यहां पर हमको सिचुएशन दिया गया है, सिचुएशन ए जहां पर प्राइस था पहले 20
और क्वांटिटी डिमांडेड था 10 किलोग्राम. सिचुएशन बी, प्राइस इंक्रीज हो गया 20 से 25 हो गया, तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड जहां पर पहले 10 किलोग्राम था, अब वो रिड्यूस होके 9 किलोग्राम हो गया. तो हमने यहां पर डिटरमाइन किया चेंज कितना हुआ. तो चेंज कैसे मालूम पड़ेगा? सिचुएशन बी माइनस सिचुएशन ए. तो हमको यहां पर मालूम पड़ा है प्राइस में 5 रुपीज का चेंज है और क्वांटिटी डिमांडेड में 1 किलोग्राम का चेंज है. सो परसेंटेज चेंज यहां पर हम निकालेंगे. तो परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालेंगे? जो भी डिफरेंस है ना, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस क्या था? 20, तो 5 डिवाइड बाय 20. सिमिलरली यहां पर चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, दैट इज 10. और ऐसा करने पर हमें एट द एंड आंसर मिलता है 0.4. और 0.4 क्या है? लेस देन 1. और लेस देन 1 आएगा तो हम उसको क्या समझते हैं? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. गेटिंग इट एवरीवन? मेथड नंबर 2, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड. दिस पर्टिकुलर मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. सो हियर वी हैव टू राइट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, सो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर ये हम कंपेयर करते हैं. क्या करते हैं इसमें? कंपेयर कि पहले कितना खर्चा था और अब कितना खर्चा है. हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है यहां पर? मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन. तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है टोटल प्राइस, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर. आपने पूरा कितना खर्चा किया. तो ओल्ड एक्सपेंडिचर यू विल कंपेयर विथ न्यू एक्सपेंडिचर एंड अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड वेदर इट इज यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. सो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड. इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज गिवन द फॉलोइंग प्रपोजिशन. तो यहां पर ये टेबल के हेल्प से हम समझ सकते हैं. वी हैव टेकन 3 पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, एंड एट डिफरेंट प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड आर डिफरेंट. तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ए जहां पर प्राइस पहले 10 था, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 6 था, सो टोटल हमें मिलता है 60. अकॉर्डिंगली जब प्राइस राइज हुआ and it became 20, so quantity demanded 5 ho gaya aur total expenditure was 100. So aap yahan par uska explanation dekh sakte hain. When with a given change in the price of a commodity, total outlay increases, matlab total expenditure increase ho gaya. Pehle 60 rupaye kharch ho rahe the, ab 100 rupaye kharch ho rahe hain. So elasticity of demand is greater than 1 kyunki hamara expenditure increase ho gaya. इसी तरीके से आप देखेंगे प्रोडक्ट बी में पहले भी 120 स्पेंड हो रहा था, अभी भी 120 स्पेंड हो रहा है. तो कंक्लूजन क्या निकला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. एंड एट द एंड पहले 100 रुपीज स्पेंड हो रहा था, नाउ वी आर मेकिंग अ एक्सपेंडिचर ऑफ 60 रुपीज. तो एक्सपेंडिचर हमारा रिड्यूस हो गया. Hence, it is a relatively inelastic demand. Third method, point method or geometric method. Professor Alfred Marshall has developed another method to measure elasticity of demand. The ratio
and total outlay method are unable to measure elasticity of demand at a given point on the demand curve. तो ये हमें ग्राफ के बारे में बता रहे हैं कि ग्राफ पे जो कर्व ड्रॉ हुआ है वहां पर अगर कोई पॉइंट है तो उसे कैसे मेजर किया जाएगा जो पहले दो मेथड से मेजर नहीं हो पा रहा है. सो इन दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला एंड दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट. तो यहां पर ये पर्टिकुलर हम एग्जांपल देख रहे हैं. डिमांड कर्व में भी इधर लीनियर लीनियर और नॉन लीनियर एज शोन बिलो. तो हम यहां पर देख रहे हैं ये जो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस हमने लिया, वाई एक्सिस हमने लिया और हम यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को शो करेंगे. सिमिलरली वेरियस पॉइंट आने पर हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है कि कौन सी इलास्टिसिटी है, वेदर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी ऐसे हम अपने डिमांड कर्व को एक्सटेंड करेंगे, है ना. y एक्सिस को टच किया तो पॉइंट ए मिला, x एक्सिस को टच किया तो पॉइंट बी मिला. अब डिफरेंट डिफरेंट हमको यहां पर 5 पॉइंट्स मिल गए. अब कोई भी एक पॉइंट आप सिलेक्ट कीजिए, से हमने यहां पर सिलेक्ट किया पॉइंट पी टू. पॉइंट पी टू सिलेक्ट करने पर हमको जो अपर सेगमेंट मिलेगा वो मिलेगा पी टू ए और जो लोअर सेगमेंट मिलेगा वो मिलेगा P to B from here till here. तो आप क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट. अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है कि ये इंफिनिटी में आंसर मिल रहा है, मोर देन वन में मिल रहा है, इक्वल टू वन मिल रहा है, लेस देन वन मिल रहा है या जीरो मिल रहा है, एंड देन यू कैन डिसाइड. ठीक है. तो यहां पर हम एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी हैव टेकन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, और यहां पर हमने एक लीनियर कर्व ले लिया, कर्व ए एंड बी, और उस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट किया. तो एट पॉइंट पी, पी पे आप देखेंगे यहां पर, तो पी पे हमें दो सेगमेंट मिल रहे हैं, पी ए एंड पी बी. पी बी जो है वो है लोअर सेगमेंट. कौन सा सेगमेंट है? लोअर सेगमेंट. और पी ए, पी ए क्या है? अपर सेगमेंट. अब हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. तो वहां पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन मिला, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ऐसे ही हमने लिया पॉइंट पी वन. सो पी वन से पी बी ये है लोअर सेगमेंट, और पी वन से पी ए, सॉरी पी वन ए ये अपर सेगमेंट है. इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2/6 तो हमें मिलता है लेस देन 1, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. नेक्स्ट हमने लिया पॉइंट पी टू. तो पी टू से ए ये हो गया अपर सेगमेंट, और पी टू से बी ये हो गया लोअर सेगमेंट. सो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट हमें मिला 3, विच इज मोर देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक. एंड एट द एंड हमने लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी. पॉइंट ए पे हमको अपर सेगमेंट जीरो मिलता है तो आंसर इंफिनिटी आएगा,
दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और पॉइंट बी पे हमको लोअर सेगमेंट जीरो मिलता है, तो यहां पर हमें इलास्टिसिटी जीरो मिलेगा, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. एंड लास्ट पार्ट, जब लीनियर कर्व नहीं है, नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर होगा तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट को उसी तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल जाए. ठीक है, तो हम इस टेंजेंट पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लें ई, और फिर हम उसको लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड कि ये रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है. ठीक है, तो हमें सिर्फ देखना है, लाइक यहां पर आप देख रहे हैं पॉइंट ई पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमें लोअर सेगमेंट जो है ई बी मिलता है और अपर सेगमेंट ई ए मिलता है. इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमें दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, तो कौन सा होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. बट आप समझिए, अगर आपका जो सेगमेंट है या आपका जो पॉइंट है आपने कहीं यहां पर लिया, ठीक है, लेट मी शो यू. अगर सपोज आपने पॉइंट ई यहां पर लिया है, तो टेंजेंट ड्रॉ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ड्रॉ होगा, और ये पॉइंट आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ई बी इसको इसके साथ में कंपेयर करना पड़ेगा, और ऐसे कंपैरिजन में आप ये सिंबल्स चेक करेंगे कि ई बी इक्वल है, मोर देन ई ए है या लेस देन ई ए है. अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड इट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, तो इस कर्व पे कहीं पर भी आप पॉइंट ई लेकर के कंसिडर कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा इलास्टिसिटी कैसा है. गेटिंग इट एवरी वन? सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरी वन.